जब भी पर्यावरण संरक्षण तथा प्रोजेक्ट टाइगर जैसे सफल अभियानों की चर्चा होगी उसमें योगदान देने वाले उसमें योगदान देने वालों में फॉरेस्ट गार्ड्स का नाम सबसे ऊपर लिखा जाएगा। मित्रों, हर साल जब 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है तब देश नहीं पूरे विश्व में समस्त सृष्टि की रक्षा करने के लिए आप लोगों के कठिन परिश्रम को याद किया जाता है और आप तो बखूबी जानते हैं कि भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा में पेड़ों का कितना महत्व है। हमारे यहां तो पेड़ की पूजा की जाती है, हमारे यहां जंगल सभ्य समाज का अभिन्न अंग माने जाते हैं। ज्ञान, तप, शिक्षा सब जंगल से ही निकले और इसी सभ्यता की रक्षा की जिम्मेदारी आप सबके ऊपर आ जा पड़ी है। जंगलों, पहाड़ों और नदियों के बिना हमारा अस्तित्व नहीं और ना ही हमारे बिना उनका अस्तित्व है। हम बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ जड़ों की गहराई से जुड़े हुए हैं। मित्रों, संविधान के आर्टिकल 51A में लिखा गया है, हमारे संविधान निर्माताओं ने लिखा, यह भारत के प्रत्येक नागरिक कर्तव्य होगा कि वह प्रकृति की रक्षा और जंगलों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन सहित पर्यावरण में रह रहे सभी जीवित प्राणियों के लिए दया भाव रखे। मैं समझता हूं यह हर भारतीय का कर्तव्य है और इसलिए मैं मानता हूं कि आप सिर्फ नौकरी नहीं कर रहे हैं बल्कि संविधान में उल्लिखित निर्देशों का शत प्रतिशत पालन हो खुद भी करेंगे और लोग भी करें, इसके लिए आपको आने वाले दिनों में प्रयत्न करना है।